के जल्दी कुर्सी पे आके दरखाना में शिरकत करें। बाकी असलाम शुक्रिया। जो बड़े ऑफिस नौजवान ये 5 किलोमीटर के दायरे में बिजली जो होगी वो फ्री देगी, मगर दुनिया हमारी हुकूमत गई, उन्होंने उस वादे से मुकर गए। आजाद साहब, आपको उनको वादा याद दिलाना पड़ेगा, आप उनसे बिजली लेनी पड़ेगी। एनएलपीसी ने वादा किया था नौकरियां लगाने का और वह एग्रीमेंट साइन हुआ था शिंदे साहब और मेरे दरमियान, और उन्होंने बाद में कंट्रैक्ट पे नौकरियां लगानी शुरू कर दी। ये सारी चीजें मेरे ध्यान में है, मगर क्यों ये क्यों हुआ? बेइत्तेफाकी, कहीं से जाके स्टे ले आना, कहीं से जाके दूसरी चीजें करना, इससे हमारी अपनी कौम को जो फर्क पड़ा, उड़ी के आवाम को जो फर्क पड़ा, आपका हक मारा गया। आपका हक था बिजली पे, यहाँ पे 3 पावर हाउसेस है, और जबकि एनएचपीसी ने ये चीज मानी थी कि ये पावर जो है ये दिया जाएगा। हमारी बड़ी मुश्किल पहाड़ी इलाका है, आप जानते होंगे कि 75 किलोमीटर रोड कुल सिर्फ थी, याद है आपको 2002 से पहले सिर्फ 75 किलोमीटर रोड थी, आज कितनी है 1075 किलोमीटर रोड। आपकी वाटर सप्लाई जो थी वो सिर्फ 25% थी, आज आपकी वाटर सप्लाई 95% स्टेट के एक मुमताज लीडरों में से और कई अरसे से आपकी नुमाइंदगी करने वाले लीडर मोहतरम ताज मोहिद्दीन साहब हमारे साथ, सबका वजीर और सबका पीसीसी प्रेसिडेंट ताज मोहिद्दीन साहब, ये साहब मोहतरम पीरजादा साहब, हमारे सबका वजीर जीएम सरूरी साहब, हमारे यहां से इसी डिस्ट्रिक्ट से शुएब लोन साहब सबका एमएलए, मोहतरम भरत कुमार साहब चेयरमैन एमसी उड़ी, शबनम शफीक साहब बारामूला शहर के सबका एमसी के चेयरमैन उमर ककरू साहब, हमारे मुदस्सर अहमद तांत्रे साहब, हाजी असदुल्ला लोन साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट, हाजी मुश्ताक हुसैन साहब, प्रोफेसर शेख मोहिद्दीन साहब, अब्दुलरहमान नायकू साहब, मोहम्मद करीम सोफी साहब, परवेज अहमद साहब, मोहम्मद सदीक साहब, मोहम्मद रूफ खान साहब, अब्दुल खालिक साहब, डॉक्टर फारूक अहमद साहब, इशफाक अहमद मलिक साहब जो नौजवान है हमारे साथी, शकील अहमद साहब, शेख मजीद साहब, तारक अहमद मीर साहब, एडवोकेट अल्ताफ साहब,
मोहम्मद इमरान कटारिया साहब और मनीर हुसैन साहब हमारे श्रीनगर से, मोहतरम हमारे सीनियर लीडर अब्दुल गनी खान साहब और बहुत सारे हमारे यहाँ के भी और बाहर के जिलों से भी आए हुए मेरे साथ। इस रियासत में मैं बहुत घूमा हूं गुज़िश्ता 45 वर्षों से, जब से मैं सियासत में आया, लेकिन